जोधपुर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के केंद्र काजरी में यूं तो कई तरह के अनुसंधान होते हैं और काजरी जोधपुर की पहचान बन गई है, लेकिन जोधपुर में काजरी के नाम की पहचान 60 साल में नहीं बन पाई जो आज संपन्न हुई है। दरअसल काजरी जाने वाले मार्ग को यूं तो काजरी रोड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे आधिकारिक दर्जा कभी नहीं दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं सांसद ने इस मंत्रालय के प्रभारी होने के नाते जोधपुर नगर निगम से संवाद स्थापित कर आज इस रोड का नाम काजरी रोड पर आधिकारिक रूप से घोषित किया और इसके शिलापट का अनावरण किया। इस मौके पर महापौर घनश्याम ओझा का केंद्रीय मंत्री और काजरी के अधिकारियों ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हमारी बरसों पुरानी मुराद पूरी हो गई, अब इस सड़क को आधिकारिक रूप से काजरी के नाम से जाना जाएगा और काजरी के नाम का शिलापट भी यहाँ लग गया है। मैं आज जब इस मार्ग का जो मार्ग काजरी के सामने से निकलता है, इस मार्ग का नामकरण जोधपुर नगर निगम और नगर निगम परिवार के मुखिया आदरणीय घनश्याम ओझा साहब ने इस रोड का नाम, जो हम सब काजरी वालों की बहुत पुरानी मांग थी, उसके मांग को मानते हुए इन्होंने काजरी रोड किया है और आज जो है इसका उद्घाटन हुआ है, इसका जो शिलापट्टिका लगाई गई है। मैं पूरे काजरी परिवार की तरफ से और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रभारी मंत्री होने के नाते जोधपुर नगर निगम के मुखिया आदरणीय घनश्याम ओझा साहब का बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में उद्घाटन करने के लिए, इस पट्टिका का उद्घाटन करने के लिए हमारी शहर की विधायिका आदरणीय सूर्यकांता जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी। मैं आदरणीय सूर्यकांता जी का भी बहुत सारा अभिनंदन करता हूं।